फ्रेंड्स, वेलकम बैक, वेलकम ऑन माय चैनल। दोस्तों, आज हमारे पास ये एसटेक कंपनी का चार्जर आया जी सिम्पेयर में, जो कि जल गया था, तो मैंने इसको रिपेयर कर दिया। तो रिपेयर करने के बाद इसमें एक सिस्टम ख़त्म हो चुका था, तो उसको मैंने एक जुगाड़ तरीके से वो सिस्टम सेम तरीका कर दिए, वो आपको बताता चलूँ। वो ये है कि अगर ये जो पंखा था वो ऑटो सिस्टम में था, तो चार्जर अभी भी ऑटो है, मगर इसमें जो फ़ैन है वो ऑटो ऑफ नहीं हो रहा था, डायरेक्ट हो गया था। तो अभी मैंने आप फैन को भी ऑटो कर दिया, जब लाइट आएगी फिर चार्जर अपना जो होती है ना, इसकी जो चार्जिंग वगैरह होती है, उसके बाद जब लाइट आती है तो फिर चार्जिंग होता है। तो इस पंखे को मैंने इसकी जो चॉपर है, चॉपर सिस्टम है, इसमें ये चॉपर लगा हुआ है बड़ा, इसकी जो आउटपुट 12 वोल्ट जो तार जो निकलती हैं उसमें मैंने ये डायोड देकर कंडेंसर देकर इसकी जो पंखे की जो तारें कनेक्शन मैंने डायरेक्ट कर दिए। तो अभी जब लाइट आती है तो ये ऑन हो जाता है और ये चार्जिंग करना शुरू हो जाता है, ठीक है। लाइट जाती है तो फिर पंखा बंद हो जाता है। ये सिस्टम मैंने किया है। तो वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों, शुक्रिया।